हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज को एक नया ब्लॉग लेके अभी बस नहा के आए हैं और बज रहे हैं 3:10 हो गए हैं। पहले पूजा करते हैं, फिर खाते हैं कुछ और फिर चलेंगे जिम। तो लेट्स गो, पहले करते हैं पूजा। भाइयों खाना खा लिया और बस ये पनीर खा रहा हूँ। इतना पनीर अलग से इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि खाने के साथ पनीर ठंडा होता है, कच्चा खाता हूँ मैं पनीर, उसमें डालता हूँ तो खाने का भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसीलिए अलग से। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि टेस्ट ही क्यों नहीं लग रहा, फिर मम्मी ने बताया ऐसे, तो तब से मैं ऐसे ही खाता हूँ। अब इसको खाते हैं जल्दी से और बस इसके बाद जिम निकलना है। प्रोटीन थोड़ा बहुत आ गया, खाने में भी था थोड़ा प्रोटीन, इसमें भी हो गया, तो प्रोटीन के लिए हो गया। और एक हाफ कप वो पीऊँगा अभी मैं और फिर जिम चलेंगे 1 घंटे बाद। तो अभी बस मिलते हैं सीधा जिम में, अभी के लिए बाय। Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, 'cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover. Is it something I did? Still I wonder, 'cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover. चुका हूँ घर पे और मज़ा आ गया आज वर्कआउट करके। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी वर्कआउट्स में, पिछले वर्कआउट से मैंने सारे एक्सरसाइजेस चेंज कर दिए।
लेग में भी, लेग में काफ़ी सही, मतलब सेम ही है। लेग में ज़्यादा चेंज नहीं किया क्योंकि स्क्वाट और लेग प्रेस तो मैंडेटरी है मेरे को लगता है ऐसा। और बैक में पूरा चेंज किया है, बैक वर्कआउट में बाइसेप वही है तो बाइसेप का वही सही लगता है मुझे। और चेस्ट में चेंज किया है, चेस्ट में वही सब है बस, एक एक्सरसाइज ऐड कर दी है। और क्या है, ट्राइसेप में एक एक्सरसाइज ऐड करी है क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ाई है मैंने, ताकि अब फैट थोड़ा सा आ गया था जो अभी दिवाली पे मिठाई खाई है वो चले जाए और वेट अच्छा गेन हो। वेट तो गेन हो ही रहा है, अच्छा खासा मसल गेन हो रहा है, मतलब अच्छा मसल गेन करना है, 90 kg तक जाना है बस, 2.5 kg और बचा है इसको ख़त्म कर दूँ बस, खाते खाते थक जाता है यार मैं तो। और बस अभी आ ही चुके हैं, वर्कआउट देखा ही होगा आपने, बैक तगड़ी हो गई है बहुत। ओवरऑल मेरे को पता है क्या लगता है, इधर ही रहने दो यार, ओवरऑल मुझे लगता है सारा जो भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ना वो मेरे लेग्स में ही जा रहा है इस बार, जो भी कर रहा हूँ सीधा लेग्स में ही जा रहा है सारा। लेग्स मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि दिखाऊंगा ना जब तब देखना लेग्स की हालत क्या है, खतरनाक हो गए हैं लेग्स बहुत। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जब कट कर लूँ ना थोड़ा सा तब दिखाऊंगा लेग्स, क्योंकि अभी लगे मसल्स तो बहुत ज़्यादा हैं और फैट इतना ज़्यादा नहीं है लेग्स में, बट फिर भी उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं लेग। पर जब दिखाऊंगा तब देखना क्या लेग्स किए हैं मैंने इस बार। और बस अभी खाते पीते हैं, जूस बनाऊंगा, मतलब वही अपना ओट्स पानी प्रोटीन और 2 केले भी उसी में डाल देता हूँ, अच्छा खासा पोस्ट वर्कआउट मील बन जाता है ये। आई नो कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर मेरे को लगता है कि मुझे ज़रूरत होती है, अभी सुबह से एक ही मील करी है क्योंकि ऑफिस के चक्कर में, तो इसीलिए, और पढ़ना भी होता है फिर। तो अभी चलते हैं, पहले करते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। कर लिया जाए अपना पोस्ट वर्कआउट मील या ड्रिंक हो लो जो भी बोल लो। ओके इतना बताता हूँ उसमें क्या क्या डाला है मैंने। 2 केले, 70 g ओट्स, हाफ स्कूप सॉरी फुल स्कूप वे, 1 स्कूप वे हीपिंग स्कूप, और पानी 1 ग्लास इस वाले ग्लास से। अब वर्कआउट के बाद यार होता है क्या ना कि पिया नहीं जाता रहता, आई एम सॉरी, मतलब खाया नहीं जाता, बट इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, काफ्स मिल गए अच्छे खासे, इट्स गुड। काफ्स ज़्यादा हो गए मुझे पता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है मुझे जिस हिसाब से भूख लगती है ना इस टाइम ठीक है इतना, और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है फिर भी, इतना तो लेना ही चाहिए, कितना 90-100 हुआ हो, 100 g के आसपास हो काफ्स ठीक है, इतना लेना चाहिए। मेरा वेट अभी 87, 100 g काफ्स ज़्यादा नहीं है कुछ। चेयर्स पिया जाए से। गैस टाइम हो चुके अपने अगली मील का, जो कि सोया सोया अपना, मैं ये खा लेता हूँ जल्दी से फिर डिनर करेंगे इसके बाद। इसमें मैगी मसाला डाला थोड़ा सा मैंने बस, और कुछ नहीं, खाते हैं जल्दी से। तो भाई वो ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय बाय।